हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर रहे हैं हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मोटिवेटर्स। अभी तक हमने मोटिवेशन के चैप्टर में उसका मीनिंग समझा, फिर हमने उसके फीचर्स डिस्कस किए, फिर मैंने आपको बताया कि डॉक्टर अब्राहम मैस्लो ने एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी दी है मोटिवेशन की कि किस तरह से हम अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकते हैं। एंड डॉक्टर मैस्लो हैज प्रोवाइडेड सीक्वेंस टू द नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज। उसने उसको सीक्वेंस दे दी जिसमें उसने फिजियोलॉजिकल नीड्स को प्रायोरिटी फर्स्ट दी, सेकंड प्रायोरिटी पर उसने सिक्योरिटी और सेफ्टी नीड्स को रखा, थर्ड पर सोशल और अफेक्शन नीड्स आ रही थी, फोर्थ पर एस्टीम नीड्स और फिफ्थ प्रायोरिटी पर रही हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। अब डॉक्टर अब्राहम मैस्लो ने 1943 में ये थ्योरी दी और उसे कुछ अजम्पशंस भी थे और क्रिटिसिजम्स भी थे। जब हम इस थ्योरी को डिस्कस कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम यानी कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकती है, यानी कि किस तरह के बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं। और इंसेंटिव्स में मैंने आपको बताया था कि आप पे दे सकते हो, सैलरी दे सकते हो, लीव एंड कैशमेंट की फैसिलिटी दे सकते हो, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को आपने प्रमोट करना है। तो इस तरह के बहुत सारे इंसेंटिव्स और मोटिवेटर्स एग्जिस्ट करते हैं मैनेजमेंट के अंदर, जिससे हम हेल्प ले सकते हैं अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए। अब उसी टॉपिक को हम यहाँ पर इलैबोरेट करके पढ़ने वाले हैं। मैंने यहाँ पर मेन हेड ले लिया है मेरा मोटिवेटर्स। तो यानी कि हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मोटिवेटर्स होते क्या है। मोटिवेटर्स मीन्स दोज techniques that help to motivate or that help to encourage employees towards the desired objective। यानी कि motivators क्या है, एक ऐसी techniques है या फिर आप कह सकते हो कि ऐसे tools हैं। motivators are those techniques or tools that help the management for encouragement of the employees towards the predetermined ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन। अब इन्हीं मोटिवेटर्स की भी आगे कैटेगरीज हैं। इन मोटिवेटर्स को हमने डिवाइड कर दिया है टू मेन कैटेगरीज में। सबसे पहली कैटेगरी हमने इसके अंदर ले ली है मॉनिटरी इंसेंटिव्स। और इन्हें हम फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी बोल सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है हमारे पास इसी का रिवर्स, दैट इज नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स। या फिर इसका रिवर्स हम बोल सकते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अब इन कैटेगरीज में एक वर्ड कॉमन है, दैट इज इंसेंटिव। तो सबसे पहले हमें इंसेंटिव का मीनिंग पता होना चाहिए, व्हाट फॉर इंसेंटिव स्टैंड्स फॉर। इंसेंटिव का मीनिंग होता है एनी बेनिफिट दैट इज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज सो दैट दे कैन वर्क टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इंसेंटिव को आप ये कह सकते हो कि ऐसा कोई भी बेनिफिट जिसकी हेल्प से आप अपने एम्प्लॉयज को एनकरेज कर सकते हो किसकी तरफ, सेट टारगेट्स की तरफ। यानी कि जो भी आपके टारगेट्स सेट किए हैं आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उन टारगेट्स की तरफ अगर आपको मूव करना है, अपने एम्प्लॉयज को उन्हें मोटिवेट करना है, तो उन्हें मोटिवेट करने के लिए, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए आपको कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे और उन्हीं बेनिफिट्स को हम बोलते हैं इंसेंटिव्स। तो सबसे पहली कैटेगरी को हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इन डिटेल डिस्कस करेंगे किस तरह के मॉनिटरी इंसेंटिव्स हो सकते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मॉनिटरी इंसेंटिव का मतलब क्या होता है। मॉनिटरी इंसेंटिव्स मींस दोज बेनिफिट्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, या फिर आप ये कह सकते हो
all those benefits that can be evaluated in the terms of money. यानी कि मॉनिटरी किसके लिए स्टैंड कर रहा है यहाँ पर, मनी के लिए, और फाइनेंशियल भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, मनी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. यानी कि ऐसे सारे बेनिफिट्स जो मनी की फॉर्म में हो, या फिर हम उन्हें मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, या अगर आप यूज करना चाहो तो आप ये भी कह सकते हो जिन्हें हम मनी की टर्म्स में इवेल्युएट कर सकते हैं. तो पर्पस सिर्फ इतना सा है इसके मीनिंग में कि यहाँ पर जो मॉनेटरी इंसेंटिव्स हैं वो डायरेक्टली कैश की फॉर्म में भी दिए जा सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट मनी फॉर्म में भी हो सकते हैं, और कुछ ऐसे इंसेंटिव्स भी हो सकते हैं जहां पर आप अपने एम्प्लॉय को डायरेक्ट मनी नहीं दे रहे हो, डायरेक्ट कैश पेमेंट नहीं कर रहे हो, आप उन्हें कुछ ऐसे बेनिफिट्स दे रहे हो जिसे आप मनी की टर्म्स में इवेल्युएट जरूर कर सकते हो. जैसे कि अगर मैं कंसीडर करूं कि किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एम्प्लॉय को रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड कर दिया. रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड करने का मतलब क्या है कि अब यहां पर उसने अपने एम्प्लॉय को कोई कैश नहीं दिया, मनी की फॉर्म में कोई भी बेनिफिट नहीं दिया है, उसे घर दिया है रहने के लिए, लेकिन उस घर के लिए उसे कोई भी रेंट पे नहीं करना. तो इसका मतलब हम इस अलाउंस को, हम इस परक्विजिट को मनी टर्म्स में इवेल्युएट कर सकते हैं. तो इसीलिए कौन सा इंसेंटिव बन जाता है हमारा, मॉनेटरी इंसेंटिव. इसी तरह से अगर हम किसी एम्प्लॉय को सर्वेंट की फैसिलिटी दे रहे हैं और उसने सर्वेंट के लिए कुछ भी पे नहीं करना, यानी कि सर्वेंट की जो सैलरी और वेजेस बनते हैं उसकी पेमेंट की जाएगी ऑर्गेनाइजेशन की साइड से, और एम्प्लॉय को क्या करना है, सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट उस सर्वेंट की सर्विसेज को एंजॉय करना है, तो उस टाइम पर ये जो बेनिफिट मिला है वो डायरेक्ट कैश की फॉर्म में नहीं है, डायरेक्ट मनी की टर्म्स में नहीं है, लेकिन हम इस बेनिफिट को मनी की टर्म्स में इवेल्युएट कर सकते हैं. इसीलिए ये कौन सी कैटेगरी में स्टैंड करेंगे, हमारे मॉनिटरी इंसेंटिव्स में या फिर फाइनेंशियल इंसेंटिव में. तो जब भी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बोर्ड में 1 मार्क के लिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉनेटरी और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, तो आपको ये जरूर मेंशन करना है दोज बेनिफिट्स विच कैन बी इवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ मनी और कैन बी प्रोवाइडेड डायरेक्ट इन द फॉर्म ऑफ मनी. यानी कि आपको दोनों पॉइंट्स वहां पर क्लियर करने हैं. अब हम डिस्कस कर रहे हैं इन्हीं मॉनेटरी इंसेंटिव्स के डिटेल्ड इंसेंटिव्स. अब मॉनेटरी इंसेंटिव्स की जो कैटेगरीज है, उनका जो क्लासिफिकेशन है, वो बहुत टाइप के इंसेंटिव्स हैं हमारे पास मॉनेटरी. स्टार्ट करते हैं जैसा कि हमारे जो सिलेबस में है उसमें हमारा फर्स्ट जो इंसेंटिव है इसमें वो है पे एंड अलाउंसेस. कोई भी एम्प्लॉई जब भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसे क्या मिलती है, बेसिक पे. अगर आप कोई भी वैकेंसी देखोगे, कोई भी जॉब पोस्ट के लिए अगर कोई वैकेंसी आउट होती है, यानी कि निकलती है वैकेंसी, तो उस टाइम पर उस वैकेंसी से रिलेटेड जो डिटेल्स गिवन होती है, उन डिटेल्स के अंदर स्पेशली मेंशन होता है कि इस पोस्ट के लिए बेसिक पे की रेंज होगी 9300 से 15600. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपकी सैलरी को रिप्रेजेंट कर रहा है. और अलाउंसेस क्या होते हैं, अलाउंसेस होते हैं इस सैलरी के अलावा, यानी कि इस रेमुनरेशन में और क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं. एक तो मुझे मंथली सैलरी मिले एज एन एम्प्लॉय, मुझे कहीं से मंथली सैलरी मिल रही है 30,000, ठीक है, वो तो होगी मेरी बेसिक पे यानी कि बेसिक सैलरी. और दूसरा उसके साथ मुझे मिल रहे हैं अलाउंसेस, जैसे कि अपने घर से ऑफिस तक जाने के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए मुझे हर मंथ में 3,000 एक्स्ट्रा मिलता है, ये मेरे लिए क्या है, एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो मनी की टर्म्स में ही मुझे मिल रहा है, वो मेरे अलाउंसेस होते हैं. इसी तरह से अगर किसी भी एम्प्लॉय को आप उसके चाइल्ड की एजुकेशन के लिए फंड प्रोवाइड कर रहे हो मंथली बेसिस पर या एनुअल बेसिस पर, तो उसको भी हम अलाउंसेस ही कंसीडर करते हैं, यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस. तो फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा मॉनेटरी इंसेंटिव में उसको कंक्लूड करते हैं.
पे एंड अलाउंसेस क्या है, जो बेसिक सैलरी मिल रही है किसी भी वर्कर को, किसी भी एम्प्लॉय को उसके काम के बदले में, ठीक है, इन लियू ऑफ हिज एफर्ट्स वेन एवर बेसिक पे और सैलरी इज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय, दैट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मॉनिटरी इंसेंटिव। बट बात ये आती है कि अब इस पे और अलाउंसेस से हम मोटिवेट कैसे कर सकते हैं। अब जो एम्प्लॉयर है, अगर उसे उसने रिकॉग्नाइज कर लिया है कि जिस भी एम्प्लॉय के साथ वो डील कर रहा है उसकी अभी फिजियोलॉजिकल नीड्स एग्जिस्ट करती हैं, या फिर अगर उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉय है उसकी नीड्स जो है वो फाइनेंशियल नेचर की है, तो वहां पर आप मॉनिटरी इंसेंटिव्स को यूज कर सकते हैं। और इन मॉनिटरी इंसेंटिव्स को कैसे यूज कर सकते हैं, बाय प्रोवाइडिंग इंक्रीमेंट ऑन क्वार्टरली बेसिस और हाफ ईयरली बेसिस और एनुअल बेसिस, यानी कि आप उसकी सैलरी और अलाउंसेस में कुछ इंक्रीमेंट ऐड करके उसको मोटिवेट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये हमारा फर्स्ट मॉनिटरी इंसेंटिव गिवन है। नेक्स्ट मॉनिटरी इंसेंटिव आता है हमारे पास प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव। फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट में डिफ्रेंशिएट भी करेंगे अभी हम। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव बिल्कुल उससे सिमिलर है जैसा आपने टेलर की टेक्निक्स में पढ़ा था। FW टेलर की जब हमने टेक्निक्स पढ़ी थी तो वहां पर हमने एक टेक्निक पढ़ी थी, दैट वॉज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। उसके अंदर भी हम क्या कर रहे थे, हम अपने एम्प्लॉयज की जो वेजेस हैं, जो उसके कंपनसेशन का अमाउंट है, उसे हम किससे लिंक कर रहे थे, डायरेक्टली उसके एफर्ट्स से, यानी कि वो कितना प्रोडक्शन कर रहा है उससे हम उसे कनेक्ट कर रहे थे। तो वही हमने यहां पर भी करना है। अगर आप ये अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए एक मोटिवेटर की तरह यूज करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने एम्प्लॉयज के जो वेजेस हैं उनको किससे कनेक्ट कर दो, उसकी प्रोडक्टिविटी से। यानी कि अगर किसी एम्प्लॉय ने एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके टारगेट के बियॉन्ड कुछ अचीव किया है तो उसे एक्स्ट्रा वेजेस हम प्रोवाइड कर सकते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हो उस एम्प्लॉय को कि अगर आप जितना प्रोडक्शन करेंगे उतने ही यूनिट्स के लिए आपको वेजेस मिलेंगे। दैट मीन्स यू आर कनेक्टिंग द एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड ऑफ योर एम्प्लॉयज, कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनके रिवॉर्ड और एफर्ट्स को आप डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हो। जितने ज्यादा वो एफर्ट्स करता जाएगा उतना ही उसका रिवॉर्ड इंक्रीज होता जाएगा। तो ये भी एक तरह से इंक्रीमेंट ही है उसके लिए, लेकिन ये इंक्रीमेंट उसी के हाथ में है, तो इसीलिए ये भी एक मोटिवेशन का काम करता है और एक मोटिवेटर कहलाता है। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में हमने जो दोनों मेथड्स पढ़े हैं, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव और पे एंड अलाउंसेस, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसके अंदर जो सैलरी है वो मंथली है, उसके साथ अलाउंसेस भी हैं और उसके अंदर हम इंक्रीमेंट दे रहे हैं क्वार्टरली या फिर एनुअली या फिर हाफ ईयरली। बट जो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज सिस्टम है इसके अंदर जो इंक्रीमेंट मिल रहा है वो डिपेंड करता है उसी एम्प्लॉई के, उसी वर्कर के एफर्ट्स पर। वो जितने एक्स्ट्रा एफर्ट्स करता जाएगा उतने ही उसकी वेजेस जो है इंक्रीज होते जाएंगे। एक पॉइंट और जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि जितने भी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं वो मोस्टली डॉक्टर अब्राहम मास्लो की दो ही नीड्स को फुलफिल करने में हेल्पफुल हैं। एक तो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स और दूसरी हमारी जो थी सेफ्टी नीड्स। अगर हम इन दोनों नीड्स पर फोकस करें तो इन दोनों नीड्स को फुलफिल करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए हमारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो है वो सबसे बेस्ट मोटिवेटर का काम करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मॉनिटरी इंसेंटिव्स की टाइप्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में।